वेलकम टू माई किचन पे आपका स्वागत है। मैं ब्लॉग में स्वस्थ नमस्ते हूँ। मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट करूँ, बिल्कुल भी मन नहीं था ब्लॉग स्टार्ट करने का और बनाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों फ्रेंड। तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, बोली कि चलो आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग बनाने स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आपको मैं ब्लॉग को पसंद करती हूँ और नहीं बनाई एक दिन भी ना तो फिर आप लोग नाराज़ हो जाओगे मेरे से, इस वजह से। तो पता नहीं मेरे धान का सब सादा सादा पूरा चेहरा पर निकल रहा है, दाना 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 वाइट वाइट पर चेहरा पे हो गया। और अभी फिर से देखे ना बाबू का फिर से तबीयत खराब स्टार्ट हो गई, तो फिर से जो है सर गर्म और बदन हाथ गर्म हो गया, तो इसका फिर से वही दवाई पिलाएंगे, दवाई था तो वो बोला पिलाएंगे। ओ ओ ओ बोला ना फिर से ओ ओ, 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 ओ तो आज पूजा दीदी का भी तबीयत खराब हो गया फ्रेंड, पता है। तो पूजा दीदी का भी तबीयत खराब, तो पूजा दीदी का तबीयत खराब कैसे हुआ मैं बता, उसका सर दर्द कर रहा और बदन पूरा गर्म हो गया। शाम में हमको बोलती है दीदी कि उनसे तुमको मतलब अच्छी से बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा, बोले तो हम लोग कि नहीं दीदी ठंडा ठंडा तो लग रहा बट उतना भी ठंडा नहीं लग रहा। तो दीदी पूरे पता नहीं हम मतलब दीदी ना स्वेटर वेटर मुझे जैसे पहने फिर पता नहीं दीदी का इतना ज़्यादा ठंडा लगा इतना ज़्यादा। तो दीदी अभी जो है बिस्तर ओढ़ी हुई मतलब कम्बल ओढ़ी। तो अभी हम जा रहे हैं, हमने तीन को ही मिलकर अभी रोटी सब्जी जो भी है रात का डिनर बनाने वाला है। तो क्या बनाएंगे आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए बताइए फ्रेंड। अब प्लीज़ भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए मतलब प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी पूजा दीदी हमेशा ठीक रहें और सही सलामत रहें, और उसको जितना भी बुरी नज़र होगी फ्रेंड उसके ऊपर जो बुरी नज़र लगा रही या फिर दीदी के लिए कुछ भी कोई भी बोल रहे तो फ्रेंड सब उसकी बुरी नज़र मेरे ऊपर में आ जाए और दीदी सही सलामत रहे, है कि नहीं फ्रेंड। दीदी ठीक रहती ना तो अच्छा लगता, दीदी का फिर तबीयत वबीयत खराब रहता ना अच्छा नहीं लगता। तो चलिए बिना ब्लॉग को लंबा किए हम ब्लॉग बना ये मतलब किशन के और जाते हैं बाबू थोड़े खेल अगर अच्छे से हम कवर करें तो उड़ा देते। अरे तुम नहीं कर सो ना मम्मा बना के खा ले लाडो, खेले खेले नहीं करो ना लाडो वैसे होना। जैसे तो इससे बाबू का दवाई है तो बाबू का दवाई फिर से सब जो है पिलाना पड़ेगा, पाँच बूंद कर दोनों दवाई एक पाँच बूंद में एक घंटे में और एक पाँच बूंद में यार एक घंटे में से मतलब एक एक घंटा के बाद में ना इस दोनों को पिलाना दवाई क्या करते हैं पता चलिए ना हमने दवाई। तो वहाँ पर जो मतलब लिखा हुआ था कि हम लोग मतलब बोल के लिए थे दवाई डॉक्टर से दिखाया था, डॉक्टर को बोले थे कि बाबू का मतलब कि सर्दी हुआ था उसमें सर्दी और खांसी और जो है फीवर का दवाई लिया था। तो ये दोनों में से क्या है हमको समझ नहीं आता, हम दोनों पिलाते हैं फ्रेंड ये दोनों को, क्योंकि बाबू का खांसी है बट सर्दी नहीं है कफ है, तो इसलिए पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे सोच रहे कि उसमें खांसी की दवाई और खांसी एक्स्ट्रा दवाई भी है आप लोगों को दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स ये दो भी दवाई है देख सकते हैं, येला है आपका कफ का है, कफ के लिए दिया है तो कफ के लिए येला खिला रहे जिससे थोड़ा सा आराम मिलता है फिर से हो जाता है कफ। तो ये दो दवाई है और भी है दिखाते हैं, ये है देखते हैं बाबू का है टी वाला खांसी का ड्रॉप है और इसको भी पाँच बूंद पिलाना पड़ता है। तो ये दवाई बाबू पीने के बाद ना उसका अजीब सा फेस बनाता है, इसे इसे ऐ करता है रोता है, तो हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा कर रहा है, हम भी एक बार ना मतलब अपना मुंह पे ड्रॉप डालकर टेस्ट किए तो बट ये लोग सच्ची बता रहे बहुत अजीब से लगता है पीने से, इसलिए जब बड़ा कोई का अजीब लग रहा तो बच्चा है ना उसको कैसे लगेगा, है कि नहीं। तो अभी और भी है सो फिर उन्हें पता है हॉस्पिटल से जब बाबू को डिस्चार्ज हुआ था तो वहाँ पे मतलब बाबू का जो जॉन्डिस हुआ था ना छोटा में, तो उसको हम लोग आईसीयू वाला रूम में रखे थे, तो आईसीयू वाला रूम में रखे थे ना तो वहाँ पे जो है जब डिसाइड मतलब डिस्चार्ज हुआ था हम लोग वहाँ से हर टाइम मतलब छुट्टी दिया था तो हम लोग घर आने वाले थे, उस दिन दिया था डॉक्टर दवाई तो वाला डॉक्टर दिया था दवाई वाला ना ख़त्म हो गया था, तो अभी फिर ये लोग बाहर से हम लोग मंगाए थे दवाई तो ये लोग बाहर से मेडिकल से लिए थे, तो अभी बाबू को ये लोग पिलाना पड़ता है। तो ये भी ये ना किस लिए हम लोग बताते हैं, ये लोग पिलाने से बच्चा का हड्डी मजबूत होता है बोलते हैं, शायद हो सकता है वो इस चीज़ के लिए होगा विटामिन वाला है और कमजोर वमजोर नहीं होगा सकता इस वजह से होगा ये दवाई। तो देख सकते हैं ये दवाई और ये दवाई का भी टाइम है 10 बजे पिलाने का, 10 बजे का 10 बूंद इसको पिलाना पड़ता है बाबू की ये दवाई। तो आज से ना फ्रेंड्स ने पिलाया क्योंकि ना पिलाने वाला था बट हम नहीं पिलाए फ्रेंड क्योंकि हम ना सो गए थे और नींद में इतना डिंग थे कि हम बाबू के यादें से निकल गए थे, तो कल से फिर से पिलाएंगे फ्रेंड। और ना बाबू को जब जब तबीयत खराब तो थोड़ा सा मतलब परेशान करता है कुछ नहीं फिर, तो यहाँ पे इसको भी जो है जब जब बाबू जगे रहेगा तब तब इसको 5 बूंद इसको पिलाना है और
जब जब बाबू मतलब सोया नहीं रहेगा, आँख खोल कर करेगा, तो उसको क्या करना है, बाबू को ऐसे गोदी में रखना है, ऐसे कर पीठ को ऊपर करके, मतलब समझ सकते हैं जैसे हमने बैठते ना इस तरह को बाबू को बैठा करके, और ये सबको जो है ये दोनों को 21 अपनी खिलाना पड़ेगा। मतलब पहले इसको गुलाबी वाला को खिलाना है, और खिलाने के बाद थोड़ा देर जैसे कि फिर बाबू सो के उठता है वो आँख खोलेगा तब दूसरा को फिर खिलाना है, इस तरह मतलब कि जितना देर वो सोएगा वो सब दोनों को बिल्कुल ही उसमें करना दोनों के तीनों को बस ये। और वो अलग तो जो आप लोग दिखाए थे ड्रॉप जो पानी वाली था ये ना, इसको तो हर एक घंटा के बाद दोनों दवाई देना होता है, 1 घंटा के बाद इसको, 1 घंटा के बाद इसको, ऐसे दवाई देते हो। इसको भी जो है गर्म पानी में ऐड करके भी दे सकते हो, और उसके बाद जो अपना जो दूध होता है उसमें 5 मिनट डाल के पिला सकते हो। हम क्या करते हैं इसको अपना दूध में उसको 5 मिनट तक पिला दे, क्या होता ना सोना मम्मा ही लाडा कहाँ जाएगी, इसलिए आप लोग दिखा दे हम जाते किचन के और। किचन आ चुके तो यहाँ पे चावल डायरेक्ट शॉर्टकट में डाला है चावल, और उसके अंदर में क्या है दाल है, सब दाल है, और यहाँ पे आटा है जो ये रोटी हम बना लेंगे। और पूजा दीदी अभी उठी हुई है, तो दीदी अभी कैसे लग रहा है आपको, फीवर ठीक है? तो हम आपको ना क्या कहते बताए, और ठंडा तेल होता है ना वो भी तो नहीं है, तो बनना जानते हैं लगा देते हैं आप सर को अच्छे से चमक, तो ठीक है आप खाइए मुड़ी है ना, हम आपको सर में अच्छे से मसाज करके तेल कोई से भी लगा देंगे, सरसों तेल या नारियल तेल मत लगाइए उसमें ना, और सर में दर्द पकड़ लेगा क्योंकि वो ठंडा लगेगा। और तो यहाँ पे अभी बनेगा, तो अभी हम रोटी को बाद में बना लेंगे।